हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ पूजा लिम्बानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर सॉरी यूनिट 12। यूनिट 12 है पोंगल। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए। पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर खुद से आंसर लिखने, बाद में आंसर के साथ टेल करके ये पूरी वर्कशीट आपको फिलअप करनी है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट, गोविंदम का मित्र किस त्यौहार के बारे में जाना जाता था, किस त्यौहार के बारे में जाना जाता था? तो गोविंदम, उसका आंसर आएगा गोविंदम का मित्र पोंगल त्यौहार के बारे में जाना जाता था। कौन सा त्यौहार? पोंगल त्यौहार के बारे में जाना जाता था। दूसरा है, पोंगल कब मनाया जाता है? तो पोंगल लोग कब मनाते हैं? तो पोंगल धान की फसल पकने की खुशी में, धान की फसल पकने की खुशी में यह धूमधाम से मनाया जाता है। जब उत्तर भारत मकर संक्रांति मनाते हैं, उत्तर भारत के लोग जैसे कि मकर संक्रांति मनाते हैं, तब दक्षिण भारत के लोग क्या मनाते हैं? पोंगल त्यौहार मनाते हैं। थर्ड, पोंगल के पहले दिन क्या मनाया जाता है? पोंगल के पहले ही दिन भोगी मनाया जाता है। फोर्थ, मिट्टू पोंगल के दिन किसका पूजन किया जाता है? मिट्टू पोंगल के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो मिट्टू पोंगल के दिन सुबह सुबह स्नान करके गाय और बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। मतलब कि गाय बैल आदि जो भी पशु होते हैं उसे स्नान करवाते, बाद में उसका पूजन करते। फिफ्थ, पालतू पशु को कैसे सजाया जाता है? जो पालतू पशु है उसके तो उसे कैसे सजाते हैं? तो उसका आंसर आएगा पालतू पशुओं को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर फूलों की मालाएँ पहनाई जाती है, और बेलों के सिंह होते हैं उसको विविध रंगों से सजाया जाता है, रंग करके सजाया जाता है। फिर पालतू पशुओं को पोंगल खिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किससे कहा? तो यहाँ पे है, आपको जो क्वेश्चन दिया है तो वो कौन बोल रहा है, तो किसने कहा और किसे कह रहे हैं, मतलब जो सुन रहे हैं वो आपको लिखना है किससे कहा। ओके, अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है? तो वो कौन बोल रहा है? तो वो कौन बोल रहा है? दादाजी। अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है? तो वो कौन बोल रहा है? दादाजी। तो उसका आंसर आएगा, यहाँ पे दादाजी लिखोगे आप, और दादाजी ने किसको कहा? गोविंदम से। तो यहाँ पे आप दादाजी लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे गोविंदम से। ओके, सेकंड, आप पत्र जोर से पढ़िए। तो वो जो गोविंदम बोल रहा है अपने दादा से, ओके, गोविंदम बोल रहा है अपने दादा से कि आप जोर से पत्र पढ़िए। थर्ड है, यह पत्र में तुम्हें पोंगल की जानकारी देने के लिए ही लिख रहा हूँ। तो वो कौन बोल रहा है? गोविंदम अपने मित्र वेदांत से बोल रहा है कि यह पत्र में तुम्हें पोंगल की जानकारी देने के लिए ही लिख रहा हूँ। शाबाश बेटा। फोर्थ, शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है। तो वो कौन बोल रहा है? दादाजी अपने बेटे से बोल रहे हैं, गोविंदम से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि दादाजी गोविंदम से कह रहे हैं। ओके, थर्ड है, पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द गृह, घर, तो उसका इसमें से आपको ये है वो ऑप्शन दिए, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करके लिखना है, चूज करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे घर, तो यहाँ पे है गृह। ओके, गृह। मित्र, तो मित्र का होगा दोस्त। माँ का होगा अम्मा। सामानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड्स। ओके, त्यौहार, पर्व। ओके, अभी यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, फोर, लिंग बदलो। तो दादा के सामने क्या होगा? स्त्रीलिंग।
दादा है पुलिंग, तो दादा के सामने क्या होगा? स्त्रीलिंग, तो उसके सामने आएगा दादी, दादा दादी, बेटा बेटी, माता पिता, बैल गाय। ओके, ये है लिंग परिवर्तन। क्वेश्चन फिफ्थ है, अंग्रेजी शब्द लिखो। उत्तर भारत, उत्तर भारत यानि नॉर्थ इंडिया। ओके, यहाँ पे मैंने आंसर दिया है ऑलरेडी, पर आपको पहले खुद से लिखना है। उत्तर भारत यानि नॉर्थ इंडिया। खुशी, एग्रीकल्चर। ओके, त्यौहार, फेस्टिवल। दक्षिण भारत, साउथ इंडियन, सॉरी यहाँ पे आएगा साउथ इंडिया। ओके, दक्षिण भारत के लोग। ओके, तो साउथ इंडियन होगी, पर यहाँ पे है दक्षिण भारत यानि साउथ इंडिया। प्यारा यानि लवली, मिट्टी यानि सोइल। ओके, तो यहाँ पे आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो ये आपको वर्कशीट कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवा देनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।